अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल स्टडी कूलम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अभी आप इसको 10th क्लास में भी पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट एफएससी लेवल पर भी इसकी मजीद डिटेल्स जो है वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जो है वो देखेंगे कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ इज आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट थे कूलम, उनके नेम पे ये लॉ है बिकॉज उन्होंने ये डिराइव किया था लॉ। और क्लास हम जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं हमने उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और उसमें हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ चार्जेस हमारे पास हो जाते हैं, टू टाइप के चार्जेस हम गैदर कर लेते हैं या उनको अलग अलग कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। और फिर साथ हमने उन चार्जेस के बारे में ये भी कहा कि आपके पास लाइक चार्जेस जो हैं वो आपको रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। बट कूलम्स लॉ डील करता है कि ये जो आपकी अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू काइंड ऑफ चार्जेस है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस। आपको पता है कि जब दो चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, डेफिनेटली वो किसी न किसी फील्ड के अंदर हैं। अगर आपके वो दोनों चार्जेस आपस में मींस पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो वो रिपेल कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली दे विल रिपेल ईच अदर विद सम फोर्स, किसी फोर्स के साथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर आपका पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज है, दोनों की अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, तो वो भी विद सम फोर्स है। तो बेसिकली आपका कूलम्स लॉ डील करता है विद दैट फोर्स कि आपके पास फील्ड के अंदर कितनी फोर्स जो है उसकी वजह से आपका जो चार्जेस हैं वो कितनी ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे या कितनी ज्यादा रिपल्शन करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, मीन वो लेस फोर्स के साथ रिपेल करेंगे या ग्रेटर फोर्स के साथ रिपेल करेंगे। सिमिलरली लेस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे या ग्रेटर के साथ, तो ये कूलम्स लॉ जो है इस फोर्स को डील करता है। बेसिक हमारा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और उसमें आपके पास यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि आपका, हमने ये पढ़ा था अपने फील्ड्स के अंदर, मीन हमने स्टैटिक चार्जेस आज तक अभी ज्यादा डिस्कस किए, और हमने कहा था कि स्टैटिक चार्ज के अराउंड जो उसका फील्ड होता है बिल्कुल क्लोजर वो स्ट्रांग होता है, और जैसे जैसे आप स्टैटिक चार्ज से दूर जाते हैं उसका फील्ड इन्फ्लुएंस कम होता है। तो फोर्स के साथ साथ दोनों चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। मींस आपने यहाँ देखना है कि ये जो कूलम्स लॉ है इसके अंदर हम ये चीज कंसिडर करेंगे कि आपके दो काइंड के जो चार्जेस हैं वो आपस में अगर रिपेल करते हैं या आपस में वो अट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों चार्जेस में उनके फोर्स और डिस्टेंस का जो रोल है वो क्या होगा, ये कूलम्स लॉ की डीलिंग है। और फ्रेंच साइंटिस्ट जो है कूलम्स, उन्होंने यही डिराइव किया था रिलेशनशिप बिटवीन द चार्जेस। लेकिन कूलम्स लॉ जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है विद द पॉइंट चार्जेस। तो स्टेटमेंट के अंदर भी हम देखेंगे कि वहां मेंशन होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो बिटवीन द पॉइंट चार्जेस का वर्ड आएगा वहां पे। मैं आपको बताती हूँ अभी कि व्हाट इज मेंट बाय पॉइंट चार्जेस। तो ये तो इंट्रोडक्शन है कूलम्स लॉ का कि ये डील करता है थ्री पैरामीटर के साथ, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, एनी काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, तीनों तरह कोई भी आ सकता है इसमें। और फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो कूलम्स लॉ की सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे इन्हीं तीनों पैरामीटर की बेस के ऊपर। हम एक स्टेटमेंट अभी यहाँ पे पढ़ेंगे और वो स्टेटमेंट इन्हीं पैरामीटर्स पे बेस करेगी, फिर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में एक कॉन्स्टेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज के। और एंड में हम लॉ की लिमिटेशंस को देखेंगे कि लॉ जो है वो लिमिटाइज क्यों है, किस वजह से इसको, क्योंकि ये स्पेसिफिक पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही डिपेंड करता है, यही इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद कूलम्स लॉ का ये इंट्रोडक्शन है स्टार्ट में जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम इसकी स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। लॉ की स्टेटमेंट आप अगर देखें तो इसको साथ ही मैथमेटिकल फॉर्म से रिलेट करेंगे और फिगर के साथ भी रिलेट करेंगे। यहाँ आप देखेंगे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, आपके पास क्या है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, बिकॉज ये जो दो चार्जेस है हमारे Q1 Q2, दे कैन अट्रैक्ट और दे कैन रिपेल। अब जैसे यहाँ पर अगर हम इस फिगर को देखें, इस फिगर के अंदर आप देखें दो यहाँ पे कंडीशन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव शो किया हुआ है, ये पॉजिटिव सॉरी ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। तो आपका ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव और नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे की तरफ है, मींस दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर सेकंड फिगर में हम देखें, दोनों की फोर्स पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की फोर्स जो है वो ऑपोजिट साइड पे शो हुई हुई है, दिस मीन्स दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन बोथ चार्जेस आर एट सम डिस्टेंस, दैट इज आर, दोनों चार्जेस के कंडीशन में आपके दोनों चार्जेस
किसी डिस्टेंस पे है, दैट इज आर। तो आपके पास यहाँ पर पहला जो आपने स्टेटमेंट का पार्ट देखा वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। व्हाट इज मेंट बाय पॉइंट? एक्चुअली पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनमें मींस द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ग्रेटर देन देयर ओन साइज, यानी कि उतना उनका अपना साइज नहीं होता जितना उनका डिस्टेंस होता है एक दूसरे के बीच में। तो द चार्जेस विच हैव द डिस्टेंस ग्रेटर देन देयर साइज बिटवीन ईच अदर, तो वो चार्जेस आपके क्या कहलाते हैं, पॉइंट चार्जेस, उनको हम पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। और आपका कूलम्स लॉ जो है वो स्पेसिफिकली जहाँ पे भी आप इसे हायर लेवल पर भी जाके पढ़ेंगे तो कूलम्स लॉ की जो डीलिंग है वो विद द पॉइंट चार्जेस आएगा, मीन्स ये ज्यादातर पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, मीन मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों चार्जेस Q1 Q2 एंड टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मीन्स इनका अपना कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होता है। आपको पता है कि चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के ऊपर फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल दोनों चार्जेस आपके ये 1 कूलम का है, ये भी 1 कूलम का है, लेकिन अगर आप इसको 2 कूलम कर दी, यहाँ पे दोनों चार्जेस 2 कूलम या 2 कूलम के आप ले लें, 2 कूलम इनका मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो डेफिनेटली फोर्स भी बढ़ जाएगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यहाँ क्या मीनिंग है कि इनका ये दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर इनके मैग्नीट्यूड दोनों के इंक्रीज होते जाएंगे तो इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी इंक्रीज होगी। अगर इनका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो अगर लाइक चार्जेस हैं तो दोनों उतनी ही जोर से रिपेल करेंगे क्योंकि उनका अपना मैग्नीट्यूड उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी कि मल्टीप्लीकेशन और उनका मैग्नीट्यूड दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है। इन दोनों को आप इनके मैग्नीट्यूड को और जैसे ही बढ़ाओगे डेफिनेटली प्रोडक्ट तो खुद ब खुद बढ़ जाएगा, तो जैसे ये बढ़ेगा आपकी फोर्स भी बढ़ जाएगी। एंड सेकंड जो यहाँ पैरामीटर हम यूज करते हैं दैट इज डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में कम डिस्टेंस है या ज्यादा डिस्टेंस है। अब अगर इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही देखें तो यहाँ पर अगर इसके फील्ड को हम इमेजिन करें तो हमने ये पढ़ा है कि फील्ड जितना क्लोजर टू द चार्ज होता है उतना ही स्ट्रांग होता है, जैसे जैसे उससे दूर जाते जाएंगे फील्ड वीक होता है। सिमिलरली अगर इन दोनों चार्जेस को हम डिस्टेंस के वाइज देखें तो इनका डिस्टेंस जितना ज्यादा कम होगा उतना ही दोनों के फील्ड का इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर ज्यादा होगा क्योंकि आपका वहां पे फील्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर इनका डिस्टेंस आपस में बढ़ता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो इसके खुद के फील्ड का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन वीक होती जाएगी क्योंकि उनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई डिस्टेंस हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स विद द फोर्स, दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस। तो स्केयर ऑफ डिस्टेंस को हम लेते हैं, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिक्रीज होगी, इनवर्स रिलेशनशिप का या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही होता है। आप देखें सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो स्केयर ऑफ डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा क्योंकि इनवर्स है, इनवर्स में वाइस वर्सा होता है, एक चीज अगर आप बढ़ाते हैं दूसरी कम होती है और एक को अगर आप कम करेंगे तो दूसरी बढ़ेगी। इसी तरह अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेसिक है यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म, और स्टेटमेंट को भी हमने इसी मैथमेटिकल फॉर्म की हेल्प से अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी को मैथमेटिकली चेंज करेंगे इक्वालिटी में, और जब भी हम फिजिक्स के अंदर कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो वहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट को जरूर इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी एक कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होगा, फॉर द कूलम्स लॉ इट इज के कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, और के का खुद एक फॉर्मूला भी होता है, ये इक्वल टू 1/4πε0 होता है, 4 कांस्टेंट होगा उसमें और पाई उसमें 22/7 यूज होता है, और इसके बाद यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमेबिलिटी कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए होता है, ठीक है, एयर पार्टिकल के लिए। और कूलम्स लॉ में अगर हम अपने इन दो चार्जेस के बिटवीन एयर के अलावा, यहाँ एयर मीडियम है, एयर के अलावा अगर कोई और मीडियम रख देंगे तो एप्सिलॉन आर भी के अंदर शामिल हो जाएगा, लेकिन मैट्रिक लेवल पर के इक्वल टू 1/4πε0 ही यूज होता है। उसमें वैल्यूज अगर पुट करें आपकी 4π यानी कि 4×22/7 इंटू यहाँ पे एयर का जो मीडियम इन्वॉल्व है, एयर का एप्सिलॉन नॉट 1.006 होता है, उसको आप पुट करेंगे 1/1 कर, ये मैं बार बार मैंशन करी के इक्वल टू 1/4πε0 है, यानी कि 1
कि डिनोमिनेटर में 4πε0 तीनों चीजें, तो एयर के लिए जब आप उससे वैल्यूज पुट करते हैं तो इट विल बिकम इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला के अंदर के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। Q1 Q2 रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस वेदर लाइक है या अनलाइक, एंड R इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और K जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले जो अभी मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, ठीक है। मीडियम आपका अगर दो चार्जेस के बिटवीन एयर है तो इट विल बी ओनली 4πε0। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी मटेरियल, आप कोई और मीडियम रख देते हैं एयर की जगह, कोई इंसुलेटिंग अगर मटेरियल रख लेते हैं, कोई डायलैक्ट्रिक रख लेते हैं, तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन आर भी शामिल हो जाता है, जो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है, तो उससे के की वैल्यू चेंज हो जाती है। सो ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। ये वाला जो आपकी बुक में कैलकुलेट हुआ हुआ है इट इज फॉर द एयर। एंड लास्ट में हमने देखना है कि लिमिटेशन क्या है ये लॉ की। इसकी लिमिटेशन ये है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द पॉइंट चार्जेस, ठीक है, जो जिन चार्जेस का साइज एज कम्पेयर टू देयर डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो कम होता है, और सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है। आप इसे कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यही लिखा होगा, कूलम लॉ में आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। आई होप क्लास आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।